ऐसे लोग भी हैं कि उनको भी जलन हो रहा है। दुर्भाग है उदेश प्रसाद का, ऐसा सांसद अयोध्या में बन गए तभी ये नहीं शामिल हो रहे। बोला आप तो मेरी मानसिकता को जानते हो, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे अब्बा जान नाराज हो जाएंगे। गर्व करना चाहिए कि मैं राक्षस होने के बावजूद भी परमात्मा भगवान श्री राम ने मुझको आशीष दिया, नेह दिया, स्नेह दिया और आशीर्वाद दिया। वो धोखे से जीते हुए किसी बिल में चूहे के तरह छिपे हुए लोग हैं। नाम तो अवधेश प्रताप, सकल न सूरत नाम राम मूरत, ऐसे नाम राम मूरत को लेकर के क्या करेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रेता युग में अयोध्या थी वैसी अयोध्या दिख रही है, अयोध्या राम में दिखाई दे रहा है, अयोध्या में कड़कड़के में प्रभु दिखाई दे रहे हैं, हम में राम तुम में राम सब में दिखाई दे रहे हैं और यही दीपक जो जल रहा है तो दीपक से तो अयोध्या राम में है। मैं कुछ ऐसे लोग भी हैं कि उनको भी जलन हो रहा है और वो इसमें शामिल भी नहीं हो रहे हैं, जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, तो ऐसे सांसद भगवान ने बना दिया, बड़ी कृपा किए, तो इनको निरीक्षण भी करने आना चाहिए और अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होना चाहिए। ये दुर्भाग है अवधेश प्रसाद का, ऐसा सांसद अयोध्या में बन गए तभी ये नहीं शामिल हो रहे हैं, या दुर्भाग है उनका, मंदबुद्धि है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और राम महोत्सव में और दीपोत्सव में और हर कार्यक्रम मेरे राम के जो भी अयोध्या में कार्यक्रम हो उसे अवधेश प्रसाद से निवेदन है कि आप शामिल हों और भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अभी तक दीपोत्सव लेकर कुछ भी नहीं किया उन्होंने, देखिए कैसे देखते हैं। ये जो अखिलेश यादव जी हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कभी भी अयोध्या में सरयू के तट पे नहीं आए, कभी रामलला का दर्शन नहीं किए, अवधेश प्रसाद सांसद बन चुके हैं तभी रामलला का दर्शन करने नहीं आए। यहाँ पे हमारे जितने अयोध्या के जितने अधिकारी मंडल हैं और भी लोग हैं सब देखिए शामिल हो रहे हैं, सुरक्षा कड़ी है। वहाँ अवधेश प्रसाद जरा भी ये सांसद होने के कारण भी उनका एक कर्तव्य होता है कि निरीक्षण करें दीपोत्सव को लेकर के, वो निरीक्षण भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, उनको भगवान रामलला मानसिकता दे। जो कालनेमी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के जन्मस्थली से चुनाव जीतने के बाद जब जाता है तो एक उसी के पार्टी के व्यक्ति ने जब राम नाम की पटका उड़ाया, आपके जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि कितना सुंदर लग रहा है आप अयोध्या से सांसद बने हैं और जय श्री राम की पटका आपके तन पे है, तो जरा बोल दीजिए जय श्री राम। बोला आप तो मेरी मानसिकता को जानते हो, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे अब्बा जान नाराज हो जाएंगे और सेकुलर कीड़े बिल में ही मर जाएंगे, मैं सेकुलर कीड़े को मरने देना नहीं चाहता, इसके नाते मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता, मैं चादर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा फोटो वीडियो चादर चढ़ाते हुए, दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे राक्षसों के कुछ लोगों ने वोट और सपोर्ट देकर चुनाव जिता दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था, वो काला दिन था, ऐसे कालनेमी राक्षस चुनाव जीते लेकिन सुधार नहीं आया। उनको तो गर्व करना चाहिए कि मैं राक्षस होने के बावजूद भी परमात्मा भगवान श्री राम ने मुझको आशीष दिया, नेह दिया, स्नेह दिया और आशीर्वाद दिया, और आज हम कह रहे हैं कि मेरी मानसिकता को जानते हैं, मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता। हमारे ही हिंदू सनातनियों की अक्रमण्यता के कारण, कायरता के कारण अपवादवश उन्हें विजयी बना दिया गया, धोखे से वो धोखे से जीते हुए किसी बिल में चूहे के तरह छिपे हुए लोग हैं। तो कैसे इनका देखते हैं, इनको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो सनातन विरोधी हैं, सनातनी विरोधी हैं, वो एक संप्रदाय एक व्यक्ति एक मजहब के तुष्टिकरण की घिनौनी राजनीति करने वाले हैं, इनकी विचारधारा गंदी है, ये विक्षिप्त हो चुके हैं, ऐसे विचारधारा के लोगों का नाम लेना पाप है। नाम तो अवधेश प्रताप, सकल न सूरत नाम राम मूरत, ऐसे नाम राम मूरत को लेकर के क्या करेंगे, उनकी विचारधारा गंदी है, नाम लेने में भी ऐसे अपराधियों का पाप लगता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।